हेलो गाइस, कैसे आप लोग? गाइस, आपको पता है कि जब आप काम करते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर पर अपने, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स आप ओपन करके उन पर वर्क करते हैं, या छोटी भी फाइल पर अगर आप वर्क कर रहे हैं और ऐसे में किसी का फ़ोन आ जाए, तो आप करते क्या हैं? एक्चुअल में आप अपना लैपटॉप शट डाउन करते हैं या फिर स्लीप मोड पर उसको लगा देते हैं। अब देखिएगा, स्लीप मोड पर शट डाउन आपने कर दिया, चलो शट डाउन को ले लेते हैं। जब आपने शट डाउन कर देते हैं, तो शट डाउन जब होता है लैपटॉप, तो वो सारी फाइल्स जो आपकी ओपन होती हैं, वो सब के सब क्लोज हो जाती हैं, तो आपका वर्क स्टॉप हो जाता है। अब जब आप आते हैं काम करने के लिए दोबारा से, तो आपको फिर से वो फाइल ओपन करनी होती हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करने होते हैं, टाइम भी लगता है, और वहाँ तक पहुँचने में आपको काफ़ी हद तक मेहनत और टाइम दोनों ही लगाने पड़ते हैं। तो क्यों ना आज एक छोटी सी सेटिंग कर ली जाए लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर, ताकि आप जब भी बाहर जाएं किसी की कॉल पर, तो उस सेटिंग को लगा करके चले जाएं, और जब वापस आएंगे तो आपको जैसे ही आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ऑन करेंगे, तो आपका सारा का सारा सिस्टम वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आप छोड़कर गए थे। इवन आप अगर मूवी भी देख रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट होगी जहां से आप छोड़कर गए थे। तो इसके लिए करना क्या होगा? करना ये होगा, देखिएगा, जैसे कि मैंने नीचे क्लिक किया, तो ये मेरा बैटरी का सिंबल था, इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ, तो ये आता पावर ऑप्शन। तो पावर ऑप्शन आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल पैनल में जा करके यहाँ पर कैटेगरी को हटा करके आप लार्ज आइकन कर दीजिएगा, तो यहाँ पर भी आपको पावर ऑप्शन का ये बटन मिल जाएगा। तो आप दोनों जगहों से पावर ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे ही आप पावर ऑप्शन में गए हैं, तो यहाँ पर दो मिल जाएंगे, एक मिल जाएगी बैलेंस जो कि रिकमेंडेड है, एक पावर से भी कुछ भी कर सकते हैं आप, या तो बैलेंस कर लो या पावर, किसी के अंदर भी। जैसे ही आप यहाँ जाओगे, तो यहाँ जाने के बाद में देखिए, मैंने यहाँ तो फिलहाल नेवर कर रखा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा हुआ चूज़ व्हाट द पावर बटन डज, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको करना है क्या है, यहाँ पर लिखना चेंज, लिखना नहीं है, यहाँ पर एक चेंज सेटिंग दैट आर करेंटली अनअवेलेबल, इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने सारे क्लिक किए हुए थे, हाइबरनेट भी मैंने क्लिक किया हुआ था, बट आपके लैपटॉप में ये हाइबरनेट क्लिक हुआ हुआ नहीं होगा, तो इसको आप हाइबरनेट को क्लिक कर दीजिएगा, टिक। जैसे ही आप करोगे, तो देखिएगा इसके नीचे लिखा हुआ है शो इन पावर मेन्यू, तो जब आप इसको शट डाउन करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर स्लीप तो आता ही था, लॉक भी आता था, और वहाँ पर टर्न ऑन भी और टर्न ऑफ दोनों आते थे, लेकिन वहाँ पर अब हाइबरनेट भी आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और अपने लैपटॉप को देखिएगा, मैं एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ और कई सारी चीज़ें ओपन कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक तो इसको यहाँ से ओपन किया हुआ है, चलो माउस को ओपन कर लेते हैं, ये इसको मिनिमाइज़ कर दिया, एक माउस वाला प्रोग्राम ओपन हो गया। मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम, ये मैं एक फ़ाइल है इसको ओपन कर देता हूँ, एक फ़ाइल ये हो गई, इसको ओपन कर दिया मैंने, ऐसे और दो तीन फाइल और ओपन कर देता हूँ, मैं एक कर देता हूँ ये माई कंप्यूटर, इस तरह से देखिएगा मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम ओपन कर दिए। अब मैं अपने लैपटॉप के अंदर जो पावर ऑप्शन का नाम आ रहा, सॉरी, एक्चुअल में ये जो स्विच का है, ठीक है, इसको पावर ऑप्शन को मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यार मैंने ठीक कहा था पावर ऑप्शन तो यहाँ पर स्लीप हाइबरनेट एक्टिव हो चुका है, ये भी आ चुका है, शटडाउन और रीस्टार्ट तो हैं। तो जैसे ही आप हाइबरनेट पर क्लिक करते गाइस, तो हाइबरनेशन के बारे में बताया गया था, देखिए मैं आपको यहाँ से, चूँकि वो जब मैंने हाइबरनेट किया था, तो पूरा का पूरा लैपटॉप बंद हो गया था, इवन वीडियो भी वहीं पर रुक गई थी, तो मैं यहाँ से आप दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने प्रोग्राम तो ओपन किए हुए थे, और पावर ऑप्शन में जा करके हाइबरनेट का ऑप्शन एक्टिव है, तो जैसे ही आप हाइबरनेट पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा लैपटॉप हाइबरनेट हो जाएगा उसी टाइम पर। यहाँ पर देखिए, अगर लाइट भी पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है, बस ये चार्जिंग का दिखा रहा है कि यहाँ पर लैपटॉप आपका चार्ज हो रहा है। अब मैं वापस से इसको ऑन करता हूँ, जैसे मैंने ऑन किया, सारी लाइट जल गई, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसके अंदर जो आपने प्रोग्राम चलते हुए छोड़े थे ना, एक्चुअल में वहीं से ही दिखाई देंगे, बस यही दिखाने के लिए आपको एक छोटी सी अलग से क्लिप बनानी पड़ी है। इसको ओपन होने देते हैं, देखते हैं क्या रहता है। देखिएगा भाई, जैसे आप इसको ओपन करते हैं, तो फास्टली ओपन हो जाता है, और वहीं से ओपन होता है जहाँ से आपने इसको छोड़ा था। तो ये हाइबरनेट का बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसमें एक तो आपका टाइम बच जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है यार, सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वापस से स्टार्ट करने पड़ते हैं, बट आपके पास अगर ये ट्रिक है, तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने इसको छोड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक छोटी सी ट्रिक है, अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।